चैप्टर फिफ्टीन वाटर a ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे stay alive. सभी लिविंग बींग्स को जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए वी यूज़ वाटर फॉर many एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग वॉशिंग ड्रिंकिंग एंड कुकिंग हम वाटर का यूज़ कई एक्टिविटीज़ में करते हैं जैसे कि बाथिंग वॉशिंग ड्रिंकिंग एंड कुकिंग वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड रिमूव वेस्ट फ्राम द बॉडी एंड मेनटेन आवर बॉडी टेम्परेचर वाटर हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन रखने में वाटर इज़ अ नेसेस्टी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू सोइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं दे यूज़ इट टू मेक फूड एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिश टू देयर डिफरेंट पार्ट्स वो इसका यूज़ फूड बनाने में और न्यूट्रिश को डिफरेंट पार्ट्स तक भेजने के लिए करते हैं एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ एनिमल्स को पीने के लिए और नहाने के लिए वाटर की जरूरत होती है वेज टू गेट वाटर पीपल लिविंग इन डेजर्ट्स लाइक राजस्थान हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स जो लोग डेजर्ट्स में रहते हैं जैसे कि राजस्थान उन्हें इसके सोर्सेज से वाटर लेने के लिए बहुत दूर तक चलकर जाना पड़ता है टैप्स एंड वेल्स आर यूज इन एरियाज वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल जहाँ बहुत बारिश होती है उन एरियाज में टैप्स और वेल्स का यूज़ किया जाता है इन मोस्ट विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्राम वेल्स एंड हैंड पम्प्स ज़्यादातर विलेज़ में लोग पानी वेल्स एंड हैंड पम्प से लेते हैं इन टाउंस एंड सिटीज पीपल गेट वाटर फ्राम टैंक्स एंड ट्यूब वेल्स टाउंस एंड सिटीज में लोग पानी टैंक्स एंड ट्यूब वेल से लेते हैं सेव वाटर वी नो दैट अबाउट सेवेंटी टू परसेंट ऑफ़ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर हम जानते हैं कि अर्थ सेवेंटी टू परसेंट वाटर से ही कवर्ड है आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट वन परसेंट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इसमें से ओनली वन परसेंट वाटर ही पीने के लायक है रेस्ट ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस बाकी का पानी सीज एंड ओशंस में प्रेज़ेंट है हैंस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सेव वाटर इसलिए पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है वेज टू सेव वाटर वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज हम वाटर को कई तरीकों से सेव कर सकते हैं यूज द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल टू वॉटर प्लांट्स अपनी वॉटर बॉटल में बचे पानी को प्लांट्स में डाल देना चाहिए Do not keep the tap running while you brush your teeth। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो टैप वॉटर को चलता हुआ मत छोड़ो Use अ बकेट एंड मग टू वॉटर प्लांट्स और वॉश व्हीकल्स दिस वे यू विल यूज़लेस वाटर प्लांट्स को वाटर देने के लिए या व्हीकल्स को धोने के लिए बकेट एंड मग का यूज़ करना चाहिए इस तरीके से आप कम पानी यूज़ करोगे गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर टैप्स और पाइप्स में से वाटर लीक हो रहा हो तो उसे रिपेयर करवाना चाहिए यूज़ वाटर लेफ़्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स टू मॉप द फ्लोर्स कपड़े धोने के बाद बचा हुआ पानी फ्लोर्स पर मॉपिंग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है टेकअप बाथ विद द बकेट एंड मग एंड नॉट अंडर अ शावर नहाने के लिए बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए और ना कि शावर का We should try to water the plants early in the morning or after sunset it prevents loss of water by evaporation the change of water into vapor हमें अर्ली मॉर्निंग या सनसेट होने के बाद प्लांट्स को वाटर देने की कोशिश करनी चाहिए यह इवेपोरेशन से लॉस होने वाले पानी को बचाता है water pollution polluting water is one way of misusing it pani ko pollute karna uski wastage hai sources of water get dirty due to human activities like washing clothes bathing animals urinating and throwing garbage वाटर सोर्सेज कई ह्यूमन एक्टिविटीज से ख़राब हो रहे हैं जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स बाथिंग एनिमल्स एंड वेस्ट थ्रो करके फैक्ट्रीज़ ऑल्सो पल्यूट वाटर बाई थ्रोइंग वेस्ट इन टू वाटर बॉडीज दिस इज़ वाटर पल्यूशन फैक्ट्रीज भी वाटर बॉडीज में वेस्ट थ्रो करके वाटर को पल्यूट करती हैं यह वाटर पल्यूशन है बाई पल्यूटिंग वाटर वी हम आवर साव्स इन मैनी वेज वाटर को पल्यूट करके हम अपने आप को ही कई तरीक़ों से नुकसान पहुँचाते हैं मनी वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स डाए ड्यू टू वाटर पल्यूशन वाटर पल्यूशन से कई वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स मर जाते हैं ड्रिंकिंग पल्यूट वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस एंड कॉलरा गंदा पानी पीने से जॉन्डिस और कॉलरा जैसी कई डिजीज हो सकती हैं बाथिंग इन डर्टी वाटर कैन कॉज स्किन डिजीजेज डर्टी वाटर में नहाने से स्किन की डिजीज हो सकती हैं एवॉड वाटर पल्यूशन वी ऑल शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस वाटर pollution. हम सभी को वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए

ड्रिंकिंग वाटर पल्यूट हो सकता है अगर ड्रेनेज पाइप लीक हो रही हो ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग डैम इन टू वाटर बॉडीज फैक्ट्री वेस्ट से केमिकल्स एक्सेट्रा को रिमूव करके ही उन्हें वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करना चाहिए